आप उनको क्या क्या कहना चाहोगे? धीरज रखिए बस। क्या बस? बस बस क्यों होता है? बस बस यार आज तू ना संस्कृत बोले से आप मेरे को सुन रहे हो, लेकिन आज पहली बार आप तनुज भैया को सुनोगे। तनुज भैया थोड़ा सा गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप सब लोग? तो वापस से आपका दोबारा से स्वागत है। 6 बजे तक मैंने मूवी देखी गाइस, ठीक है 6 बजे तक हमने मूवी देखी, उसके बाद हम 6 बजे सो गए और अब बज रहे हैं 10 और हम 10 बजे अब निकल रहे हैं। मौसम देखिए आप, क्या मौसम के नज़ारे हैं। तो हमारा भाई एक बार राउंड लगा चुका है इस रास्ते का, हम पहली बार जा रहे हैं और ये बारिश के बाद का टाइम है। इतना प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, रुत सुहानी। और इसी मौके पर सब लोग आज आपसे विनती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं कि आज तनुज भैया एक गाना सुनाए। तनुज भैया एक गाना सुनाइए, रूम पे जाके सुनाइए, अवश्य रूम पे जाके सुनाइए आप। क्या अवश्य? सही से प्रोनाउंस कर जरूर। पागल, अवश्य को ही कर, अवश्य ही बोला, अवश्य नहीं, अवश्य 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 ही, अवश्य पुत्र आपको प्राप्त होंगे हमारे गाने। तो आज हम हमारे श्री तनुज भैया के श्री मुख से और कुछ शब्द सुनने की कामना रखते हैं। तनुज भाई, जो अभी आपने बोला भाई लोग हैं, आप उनको क्या क्या कहना चाहोगे? धीरज रखिए बस। क्या बस? मतलब बताइए। मतलब ये सबर करो। वत्स 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 को क्या बोलेंगे? मेरे प्यारे भाई। वत्स को भाई बोलोगे आप? दोस्त दोस्त होता है। दोबारा से बोलिए। वत्स 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 क्या होता है? वत्स वत्स बोल। वत्स, अरे बोल। वत्स वत्स, अरे वत्स वत्स क्यों होता है? वत्स बस बस। ओ भाई साले, तो यहाँ तक आया कैसे? तो हमारी मातृभूमि को भूल गया है। दोबारा बोल, दोबारा बोल। बस बस बस। मामा भाव देंगे वो वस किस बात का? वस। दोबारा बोल। चल आज एक मतलब आज कुछ एक डेयरिंग करते हैं यार। आज तू ना संस्कृत बोले यार। पवन पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय स्वरूप, हृदय वसु स्वरूप, हृदय वसु स्वरूप, हृदय वसु, हृदय वसु, हृदय वसु स्वरूप से। ए मेरे को हे भगवान, हे भगवान। रूप अच्छा, बोला है सरू रूप। और तो मैंने तेरे को बोला था कि संस्कृत में बात करते हैं, ये संस्कृत है जो पवन तरह संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊ सुरभूप। ये तेरी भूप बोला था मैंने, सर्वभूप बोला था इसने। दोबारा तो जाओ, रिमाइंड करते हैं, दोबारा सुनो। हृदय बसऊ सर्वभूप था क्या? सुरभूप। तो गाइस अभी आ चुके हैं हमारे बहुत ही एक प्यारी सी जगह पे, और मुझे छोड़ के इनकी अकेले में कोई मीटिंग चल रही है। तो देखते हैं इनकी मीटिंग में हम भी कुछ थोड़ा सा इंटरेक्शन डालते हैं, थोड़ा सा मीटिंग है ना। ओए मेरे बिना तुम्हारी मीटिंग क्या चल रही है, है? अब मैं कह रहा हूँ तो बुला रहा है, चाहिए था ये भी जरूरी है ना। चलो शिष्य, ये हम हमारी चेयर लेके बैठ जाते हैं। जगह बहुत प्यारी है और देखो ऊपर से इतना प्यारा मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं, बारिश का मौसम। और ये जगह देखिए ना यार आप, कितनी प्यारी वाइब दे रही है ये जगह। मौसम मौसम है सुहाना बड़ा, मौसम मौसम। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना ये माहौल। ये तो आपको दोबारा से मिलाते हैं आज, आज प्यार से मिलाते हैं। ये है मेरा बहुत ही प्यारा जूनियर तुषार, ये मेरे बहुत प्यारे भैया। प्यार से बोलना था इस बात को। चलो दोबारा। तू हमेशा ऐसा क्यों करता है मेरे साथ यार? अरे तो दोबारा, पहली बार में तेरे को बोलना नहीं आ रहा है कुछ? दोबारा बटन दबाओ तो दो बटन तो दोबारा दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना। चलो तो मैं आपको मिलाता हूँ मेरे बड़े ही प्यारे से जूनियर से, इसका नाम है तुषार। मई तुषी। हेलो ये रीजन तेरा बहुत अच्छा था ना। ये बोलो का मेरे को बताओ पहले, बोलो का वो बताओ। तू कभी ब्लॉगर नहीं बन सकता लाइफ में, बनना ही नहीं है। एक और बड़े प्यारे एकदम फ्रेश जूनियर विनीत, क्या नाम तेरा? विनीत लवानिया, ओके। और उधर भाई है अपना, है ये आप जानते ही हो तनुज, मेरी इसका भाई, मतलब हम सबका भाई। तो अभी तनुज भैया आपको एक बहुत ही प्यारा गाना सुनाने वाले हैं तनुज भैया की तरफ से। बहुत दिन से आप मेरे को सुन रहे हो, लेकिन आज पहली बार आप तनुज भैया को सुनोगे। तनुज भैया थोड़ा सा क्या बात है, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां, कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ, है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पास, लगता नहीं है दिल यहाँ, लगता नहीं है दिल यहाँ। अरे हो गया हो गया। तनुज से अभी हम संस्कृत सुनेंगे। क्या कह रहा है तनुज, क्या कह रहा है? बहुत देर हो गई, अब मैं नहीं आऊंगा ब्लॉग में अगर ऐसे बोलेगा तो। बेइज्जती हो रही है मेरी तनुज। अरे चुप कर रहा है, संस्कृत पढ़वा नहीं रहा, बुलवाना चाहता हूँ। संस्कृत में 2 शब्द बोलना। कोई श्लोक भी याद नहीं है तुझे? नहीं। तुषार तेरे को आता है क्या संस्कृत में कोई श्लोक? ओम आता है, गायत्री मंत्र है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रोनाउंसिएशन तो फिर भी ठीक नहीं है। ए विनीत, तेरे को विनीत को जरूर आता होगा, पक्का विनीत को आता है। संस्कृत में कोई श्लोक आता है तुझे? संस्कृत में श्लोक, हाँ, या कुंदे तो तुषार हार धवला। हाँ, या से दोबारा बोले, या कुंदे तो तुषार हार, या कुंदेन दुतु, या कुंदेन तो तुषार हार धवला। आगे आगे ओ भाई क्या हो गया हमारे देश की संस्कृति को। अरे तू आ, मत बता, चीटिंग मत कर। तू बोल कोई श्लोक, बोल चल कोई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ, सर्वे सन्तु निरामयाः। वाह, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। क्या बात है। ये किस चीज का मंत्र है बता? छुट्टी होती है, जब छुट्टी के बाद जब बच्चा घर जाता है तो घर सुरक्षित पहुंचे उसके लिए गाया जाता है। ये खाना खाने से पहले होता है। शांति नहीं है, नहीं शांति मंत्र है। हो सकता है गाइस मैं गलत हो सकता हूँ, आई डोंट नो, ठीक है ना। अरे इतना ट्रैफिक क्यों है भाई यहाँ, पी पा तू पा यार, हमारी कोई सुन। उद्देश्य है सावधान बंदे मातरम, जय हिंद, श्री गुरुवे नमः। ये टीचर के सम्मान में बोला जाता है। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो संस्कृत का आज तो भरमार आई है। आज के व्लॉग में कुछ यूनिक हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। संस्कृत चलते हैं, हमारे भारत देश की शैली ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, शैली। तो तुम प्रोनाउंसिएशन सही से क्यों नहीं करते? शैली ऐसी है, शैली। अरे मुझे बता, मोहब्बत शरबत पीना है। मोहब्बत शरबत, हाँ। अरे वो आता है, क्या कहते हैं, 2 और उसका तरबूज वाला शेक आता है। कहाँ मिलेगा तेरा? टोक्यो जो नहीं यार, अभी चलते हैं शांति भरी जगह पे। बहुत शोर शराब हो रहा है ना, ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ी शांति चाहिए मुझे। इतना प्यारा रास्ता। ओए भाई, ये पीछे चलो, ये पीछे क्या होता है? पीछे चले, ये पीछे क्या होता है? ये पीछे चलो है, बता ना। आज तो घड़ी बेइज्जती कर रहा है, घड़ी। तो मतलब राजस्थानी, हिंदी, तेरी खुद की बनाई हुई हिंदी, सबको एक साथ मिक्स क्यों कर देता है? ई पीछे चलो, ई पीछे तेरे पीछे आशन उठा के बोलते से, ई पीछे चलो। हाँ ठीक है, तेरे को बंगाली अच्छी आती है, ठीक है, समझ गया।